सिंगर जॉब और शादी आज की इस वीडियो का ये टाइटल है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बाय प्रोफेशन एक सिंगर हूँ। पिछले 20 सालों से मैं यही काम करता हूँ और इस काम के अलावा मैंने दूसरा कभी कोई काम नहीं किया है। मेरा सब कुछ इसी काम के जरिए होता है। मैं पहले मुंबई में काम करता था, 15 साल तक मैंने मुंबई में काम किया है, दुबई में भी मैंने काम किया है और इस समय मैं अपने होम टाउन में रहता हूँ और यहाँ पर भी मैं यही काम करता हूँ। मेनली जो मेन मेरा काम है वो यही है। ऐसे मेरा एक दूसरा काम भी है, वो भी मैं करता हूँ, लेकिन जो मेरा मेन प्रोफेशन है वो यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। और अगर आप बाय प्रोफेशन एक सिंगर हैं या म्यूजिशियन हैं या म्यूजिक से रिलेटेड जॉब करते हैं और आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो ये वीडियो केवल आपके लिए ही मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो पर अगर आप आ गए हैं तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दोस्तों, इस समय मेरी एज 37 हो चुकी है, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं पिछले 20 सालों से सिंगिंग का काम करता हूँ, बहुत पैसा कमाया है मैंने। इतना पैसा कमाया है कि जो MCA, MTech, BTech, BE करने वाले लोग जो जॉब करके कमाते हैं, आपने सुना होगा, वो मेरे से पीछे नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इतना पैसा मैंने केवल गाना गाकर कमाया है, स्पेशली मुंबई में 3 स्टार्स होटल्स में, बार में, रेस्टोरेंट्स में, दुबई में, पब में मैंने गाना गाकर इतना पैसा कमाया है। लेकिन उसके बाद भी मेरी शादी नहीं हुई। मेरा अपना खुद का घर मेरे होम टाउन में भी है और मुंबई में भी है, दोनों जगह मेरा खुद का घर है, आप समझो मेरी बात को, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि चाहे कितना भी ज़माना हाईटेक हो जाए, चाहे कितना भी लोग मॉडर्न हो जाएं, लेकिन जो सिंगिंग का काम है या म्यूजिशियंस जो इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग का काम है या जो म्यूजिक से रिलेटेड जॉब है, उसको लोग जॉब मानते ही नहीं, काम मानते ही नहीं। मेरे घर बहुत सारे लड़कियों के रिश्ते हैं, बहुत सारे लोग मेरे घर आते थे और जब उनको पता चलता था कि मेरा मेन प्रोफेशन सिंगिंग है तो वो पीछे हो जाते थे। किसी भी पिता को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे पर्सन से हो जो सिंगर हो या म्यूजिशियन हो या इस टाइप के काम करता हो, क्योंकि इस काम की कोई वैल्यू नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ ऐसे भी लोग आपके आसपास होंगे जो 8,000, 6,000, 10,000 रुपये महीने का नॉर्मल सा जॉब करते हैं, उनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन म्यूजिक के जरिए आप 1,00,000 रुपये महीने कमाकर, 2,00,000 रुपये महीने कमाकर भी आपकी शादी नहीं होगी। उसका रीजन यही है कि इसको कभी भी प्रोफेशन नहीं माना जाता, स्पेशली इंडिया में इसको कोई परमानेंट काम नहीं माना जाता। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप सिंगर हैं, आप म्यूजिशियन हैं या म्यूजिक से रिलेटेड जॉब करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपकी वैल्यू मार्केट में नहीं रहेगी और स्पेशली शादी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कोई भी इंसान अपनी बेटी की, बहन की शादी ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं करेगा जो सिंगर है, क्योंकि या तो आप बॉलीवुड लेवल पर सिंगर हो जाओ, आप सोनू निगम हो जाओ, आप उदित नारायण हो जाओ, तब जाकर आपकी बात बनेगी। और अगर आप मिडिल में हो, आप छोटे मोटे सिंगिंग शोज करते हो, बार में काम करते हो, होटल में काम करते हो, इवेंट शोज करते हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने देखा होगा कि जो सिंगर का काम करते हैं स्पेशली देखने में बहुत हैंडसम होते हैं, स्मार्ट होते हैं, मैं भी हूं, लेकिन उसके बाद भी उनकी शादी नहीं होती। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी फील्ड की लड़की से, जो उनके साथ काम करने वाली कोई सिंगर होती है, उससे लव मैरिज कर ले, वो एक अलग बात है, लेकिन अरेंज मैरिज एकदम इम्पॉसिबल होता है ऐसे काम करने वाले लोगों की। यही एक रीजन है जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी शादी अभी तक नहीं हो पाई, सब कुछ होते हुए, अपना घर होते हुए, अपनी गाड़ी होते हुए, सब कुछ होते हुए, अच्छा लुक होते हुए, अच्छा एजुकेशन होते हुए, सब कुछ होते हुए भी शादी नहीं हो पाती। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बाय प्रोफेशन एक सिंगर हैं, एक म्यूजिशियन हैं और आपकी शादी नहीं हुई है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आपको कोई जो लोग मानते हैं जिस काम को, वो काम करना चाहिए। अपना कोई शॉप खोल लो, क्योंकि सिंगिंग का काम तो शाम को होता है, रात को कोई भी इवेंट प्रोग्राम तो रात को होता है, तो आप अपनी कोई शॉप खोल सकते हो, अपना कोई बिजनेस कर सकते हो, या ऑफिशियल कोई जॉब पकड़ लो, जो 10 से 6 ऑफिस वाला जॉब होता है वो पकड़ लो। बाय क्वालिफिकेशन मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ, मैंने BCA किया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो 10 से 6 का मैं काम पकड़ सकता था, उसमें भले मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं होती, 20,000, 22,000, 18,000, 15,000 होती, लेकिन मेरी शादी हो जाती। एज अ सिंगर मैंने मुंबई में 60,000, 70,000, 80,000, दुबई में 1,00,000, 1.5 लाख रुपये महीने पे काम किया, लेकिन उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मेरी शादी नहीं हुई। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा टॉपिक था, इस टॉपिक पर यूट्यूब पर दूसरा कोई वीडियो नहीं है, ये पहला वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाया है। और ये सब कुछ मेरे ऊपर बीत चुका है, सब कुछ मैं देख रहा हूँ, सब कुछ फेस कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको फिर से बोल रहा हूँ
कि आप ठीक है, अगर आप सिंगर हैं, म्यूजिशियन है, ठीक है आप काम करिए, लेकिन एक जो दुनिया जिस काम को मानती है वैसा वाला काम भी करिए। मैंने इस बात को बहुत देर से समझा, लेकिन अब मैंने उस बात को समझ लिया है। मेरा एक और भी काम है, वो मैं करता हूँ। सिंगिंग तो मैं करता ही हूँ, लेकिन मेरा एक और भी मेन काम है, उसको मैं करता हूँ, जो दुनिया की नज़र में जिसको काम माना जाता है, जिसको प्रोफेशन और जिसको जॉब माना जाता है। सिंगर का कोई वैल्यू नहीं है, म्यूजिशियन का कोई वैल्यू नहीं है। आप 1 लाख रुपये महीने, 2 लाख रुपये महीने भी कमा लो, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपको कोई अपनी लड़की नहीं देना चाहेगा। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप इसी सब प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला काम कि आप कोई ऐसा प्रोफेशन स्टार्ट करिए, कोई ऐसा काम, जॉब, बिजनेस, कुछ भी स्टार्ट करिए जिसको लोग मानते हैं, तब एक चांस है कि आपकी शादी अब भी हो जाएगी। मैं 37 का हो गया, मेरी शादी की जो एक्चुअल एज होती है वो निकल गई, और मैंने काफ़ी देर से इस बात को समझा, अब मैं वो काम करता हूँ, लेकिन अब देखिए कि क्या होता है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और मैं हमेशा ऐसे ही काम की वीडियोज़ बनाता हूँ, फालतू वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैंने सिंगर बनकर बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसका कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंस समाज की नज़र में, सोसाइटी की नज़र में नहीं है। बस इतना ही आपको कहूंगा। आप छोटा मोटा काम कर लो, आप 10,000 रुपये महीने का कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर लोगे, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लोगे, यार उसकी वैल्यू है, लेकिन एक सिंगर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। यार फिर से बोल रहा हूँ, लाइक जरूर करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत काम के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।